तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। इसी को लेकर बहुत सारे दोस्तों विश्वास के साथ ही कुछ लोग कमेंट किए कि भाई हमें ऐसा तरीका बताइए कि हम अपना मोबाइल नंबर कैसे अपने खाते से लिंक कर पाए। दोस्तों आज की इस वीडियो हम तीन तरीका बताने वाला हूँ, तीन मेथड बताने वाला हूँ आपका मोबाइल नंबर अपने बैंक से लिंक करने के लिए, ठीक है। और आपका कोई भी बैंक हो, प्रोसेस यही होगा, मैं तीन तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग बहुत हमारे ऊपर बिलीव करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं, जो भी नई जानकारी आपको लेनी होती है कमेंट करते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। आइए चलिए कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ टाइम पहले चले जाते हैं, जब एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आपके पास नहीं थे, सिंपल फ़ोन चलते थे, उस टाइम मोबाइल नंबर लिंक कराने का प्रोसेस क्या चलता था, उस टाइम होता क्या था, हम अपने ब्रांच जाते थे, एक फॉर्म लाते थे, ठीक है, उस फॉर्म को भर के और वहाँ जाके जमा करते थे और हमारा मोबाइल नंबर बैंक से लिंक हो जाता था और हमारे कीपैड वाले फ़ोन पे SMS वगैरह आने लगता था कि आपके खाते से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कैसे कैसे क्या। वो पुराना मेथड है और वो पहला मेथड है, वह मेथड अब भी सक्रिय है, वो भी अब भी काम करता है, उस तरीके से भी आप लिंक करवा सकते हो। आओ दूसरे यहाँ पे ट्रिक की तरफ चलते हैं, दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो दूसरा तरीका है, धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ही जमाना मॉडर्न होता गया तो हम लोगों के सबके पास ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड होने लगा, ठीक है। फिर बैंकों ने नया अपना अपडेट लाया, नया प्रोसेस लाया कि क्यों ना हम अपने कस्टमरों को कुछ यहाँ पे सुविधा दें कि वो अपने ATM मशीन के थ्रू ही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज कर ले, रजिस्टर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे अगर आपका मान लीजिए यूको बैंक का ATM है, ATM कार्ड है, तो आप यूको बैंक के मशीन पे जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं या नया अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बैंकों ने ये भी फैसिलिटी दे दिया कि आप अपने ATM मशीन के थ्रू जाके और वहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, उसको सेलेक्ट करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर एक ATM में प्रोसेस आ गया, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये आया हमारा सेकेंड मेथड। फिर थोड़ा और हम लोग इंक्रीज होते गए, जमाना मॉडर्न होते गया, और यहाँ पे जो तीसरा ट्रिक आया, जो तीसरा तरीका आया, वो ये आया कि सब लोग नेट बैंकिंग यूज करने लगे और मोबाइल बैंकिंग यूज करने लगे, ठीक है। तो अगर आप अपने बैंक के ऑफिशियल पेज पर जाकर नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वहां से आप लॉग इन करेंगे, यूजर ID पासवर्ड देखे तो वहां पे भी एक ऑप्शन दे दिया गया मोबाइल नंबर अपडेट या मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन का। तो वहां से भी आप अपना नया मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका दोस्तों बैंकों के द्वारा अब तक निर्धारित कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में यही बता देता कि आप घर बैठे बस एक कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, कहना तो आसान है, लेकिन एक थोड़ा दूर हटके सोचिए कि अगर यहाँ पे कॉल करके आप नंबर रजिस्टर करवा लेते तो आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में आपका मोबाइल नंबर ही मेन है, मोबाइल नंबर से आपके खाते की पूरी ट्रांजेक्शन होती है। अगर ऐसा होता, इतना आसान होता, तो कोई भी आपके खाते से अपना नंबर लिंक करवा के आपके सारे पैसे इधर से उधर कर देता। लेकिन नहीं, बैंक सिक्योरिटी दे रही है, अच्छी बात है कि आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके अकाउंट के लिए सेफ होगा। तो दोस्तों मैं एक कोई गलत तरीका नहीं बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे कॉल करके नंबर रजिस्टर करवा लें, घर बैठ के मैसेज करके नंबर रजिस्टर करवा लें, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आप इस तरह के ट्रिक में पढ़ते हैं तो प्लीज तरीकों में मत पढ़िए, ये तीनों ऑफिशियल तरीका है, इसको अपनाइए अपना नंबर लिंक करवाने के लिए, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा कष्ट तो होगा कि थोड़ा मेहनत करके आपको नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, लेकिन ठोस होगा, कोई भी रिस्क नहीं होगी, ना आपको कॉल करके अपना नंबर लिंक करवाना है ना किसी तरह से। आप लोग को पता होगा कि आज के समय में तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो प्लीज इस तरह से मत करिए, आप जाके अपने ब्रांच से ही ऐसा कुछ काम करिए जो मैंने तीनों तरीका बताया, इन तरीकों को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो दोस्तों जरूर बताएगा कि मेरे द्वारा दिया गया सुझाव को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो का जरूर आप मेरे इंतजार करिएगा, मैं वीडियो अच्छे अच्छे लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।